हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन मैथ की बुक का चैप्टर नंबर वन इंटीजर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बोला है आपको पेयर लिखने किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे -4 और प्लस का 4, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो आपको यहाँ पे एक पेयर लिखनी है जिनकी सम कितनी आती हो, -7। अब इसके तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -10 और एक 3 की पेयर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सम करने के लिए बोला है, तो -10 यहाँ पे करेंगे +3, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। 10 में से 3 गए तो 7 आएंगे और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो सम करने के बाद कितना आया, -7। और भी यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे -8 और 1 का। अब यहाँ पे देखो -8 में हम सम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस करेंगे 1, इनका आंसर कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 8 में से 1 गए 7 और साइन बड़े वाले का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7। तो इसे बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे पेयर लिए 4 और -4 और -3 की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -4 प्लस और -3, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो सेकंड स्टेप आएगी -4 -3, तो माइनस माइनस प्लस और 4 + 3 कितने होंगे, 7, और साइन आएगा माइनस का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा है डिफरेंस इज -10। इस तो अब यहाँ पे भी हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो -30 और -20 की पेयर, ठीक है, इन दोनों की। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -30 यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और ब्रैकेट में जाएगा -20। तो ये देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, -30 माइनस माइनस होगा +20। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस और 30 में से 20 गए तो कितने आएंगे, 10 आएंगे, साइन किसका, बड़े वाले का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि 45 और 35 का ले सकते हो, ठीक है, -45 और -35, ये क्या होगा, -45 माइनस ऑफ -35, ये क्या होगा, -45 माइनस माइनस प्लस 35। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 45 में से 35 गए तो 10 आएंगे और साइन किसका, बड़े वाले का। तो ऐसे आप इन बड़े नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे किसका यूज़ किया है, 25 और 15, ठीक है, -25 और -15। तो ये आगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -25 + 15 और माइनस प्लस फिर से माइनस, 25 में से 15 गए तो 10 और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो यहाँ पे आएगा -10। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, जहाँ पे आपको बोला है सम इज़ 0। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप कोई भी दो सेम डिजिट ले सकते हो बट अपोजिट साइन के, ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। तो जैसे देखो +4 और -4 की पेयर लिए, ठीक है, सम करना है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ये आगे जाके क्या होगा, 4 + -, तो 4 में से 4 के कितने आएंगे, 0। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर हम 5 का लेते तो 5 + -5, तो ये क्या होगा, 5 + -5, 5 - 5 = 0। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।